You have to leave the property. हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू पीयूष कनाडा। भाई उस वाली वीडियो के नीचे तो तहलका मच गया कि 911 वाली वीडियो अपलोड करो, 911 वाली। तो वीडियो आ गई है, दिस इज द वीडियो। पूरी वीडियो देखो, मजा आएगा, बहुत सारी लर्निंग्स है वीडियो में। वीडियो ध्यान से देखो, बहुत मजा आएगा, ठीक है। Sorry, this is a private property. I'm gonna have to ask you to leave. Yeah, absolutely. I can put it down. This is a private property. I'm gonna ask you to leave. Okay? Sorry? Yeah, I have put down the light. The light is down. I'm gonna ask you to leave. Okay? This is a private property. Sorry about that. Okay? All right? I'm going to have to ask you to leave the property. This is a private property. You can't be here. Okay? You have to leave the property. अभी देखो ये इतनी बदतमीजी कर रहा है। अगर कोई दिल्ली या हमारे एरिया में इतनी कोई बदतमीजी कर रहा होता तो इसका क्या होता? कुछ चीजें मैं YouTube पे नहीं बोल सकता, लेकिन आप लोग समझदार हो कि इसके साथ क्या होता, ठीक है। वो तो हम यहाँ पे स्टडी परमिट पे है तो हमें बहुत कुछ इग्नोर करना पड़ता है। आप लोग आगे देखो, अंदर आ गए अभी 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 देखो, अभी एक जंकी से इंटरेक्शन हुआ। प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो उसमें वो हमारी प्रॉपर्टी के पीछे जो पार्किंग और गार्डन एरिया है वहाँ पे वो अपना सामान वामान डाल के जंकी थाला बैठा हुआ है। तो उसको जाके मैंने बोला, मैंने कहा दिस इज अ प्राइवेट प्रॉपर्टी, आई एम गोना हैव टू आस्क यू टू लीव, दिस इज अ पार्ट ऑफ माय जॉब। और उसका आप अग्रेसिव बिहेवियर देखो, कितना ज़्यादा उसका अग्रेसिव बिहेवियर था। और अगर मुझे लगता है मेरी लाइफ को थ्रेट है या कुछ भी ऐसा, आई कैन ऑलवेज, मेरे पास मतलब आई हैव अ सेफ स्पेस हियर और आई डोंट हैव टू इंटरेक्ट विद हिम। वो तो मेरे अंदर ही चूल्हा है, उसको जाके उससे इंटरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मुझे लगता है कोई भी थ्रेट है तो आई कैन ऑलवेज कॉल 911। तो अभी दोबारा जाऊँगा एक घंटे में, अगर वो दोबारा वहाँ पे होता है तो आई विल हैव टू कॉल 911 ऑन हिम कि वो ट्रेसपासिंग कर रहा है प्रॉपर्टी पे, प्राइवेट प्रॉपर्टी पे। और बेसिकली गेस्ट के रूम के थोड़ा पास ही वो वहाँ पे वो सोया हुआ है, तो इनका कुछ पता नहीं है कब ये क्या किसी को हार्म कर दे। इनके पास नाइफ रहता है, नीडल रहती है। दूसरा ये रहता है कि मेनली जो मेरा यहाँ पे काम है वो है इनके अकाउंट्स ऑडिट करना। मैनुअली मैं मैनुअली चेक करना होता है कि सबने रूम्स वगैरह के लिए अच्छे सही से चार्ज किया है कि नहीं, सबने एक्यूरेटली चार्ज किया है दिन में, जो लोग भी चेक इन वगैरह करते हैं। तो सारे अमाउंट्स वेरीफाई करना, सारे ट्रांजैक्शन सेटल करना फॉर द डे, सेटल करके रिपोर्ट्स बना के, पूरी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स जो दिन की होती है वो बना के जो हायर मैनेजमेंट है उसको भेजना पड़ता है। प्रीवियस रिपोर्ट्स के अगर कोई फॉलो अप है कि कुछ गलत है, कुछ मतलब कुछ भी अगर मिस हो गया है तो उस पर फॉलो अप रहना करना रहता है, सारे ईमेल से गो थ्रू करना होता है। उसके बाद जो आज के दिन के चेकआउट है, मतलब जैसे नाइट मैं 21 तारीख को आया था, आज 22 तारीख हो गई है, 12 बज गए हैं। तो जो आज सुबह जो लोग चेकआउट करने हैं उनके कार्ड्स पे ट्रांजेक्शन पोस्ट करनी होती है, मतलब उनको चार्ज करना होता है। ये मेरा मेजर काम है यहाँ पे। दैट ऑल्सो उसके अलावा ऑन टॉप ऑफ इट इंक्लूड्स के प्रॉपर्टी के फ्रीक्वेंटली राउंड्स लेना, देखना कि कोई कुछ ऐसा सस्पिशियस एक्टिविटी तो ना हो रही है। पिछले लास्ट 5-6 दिन से तो नहीं हो रही थी, आज पहली बार जंकी दिखा है, वो भी इतना अग्रेसिव कोई यंग लड़का है। तो ये पार्ट है मेरी जॉब का। दिस इज़ वन ऑफ द, मैं क्या बोलूँ, नॉट बेस्ट बट वन ऑफ द ईजी गोइंग जॉब्स यू कैन गेट एट अ होटल इज अ नाइट ऑडिटर की जॉब ले लो भाई। और कोई कस्टमर नहीं आते, कुछ नहीं आते, कोई 50 रूम की प्रॉपर्टी में मुश्किल से एक या दो गेस्ट कोई आ गए तो आ गए, ठीक है। तो अब आराम से मैं अपना लॉक करके मैं आपको दिखाता हूँ, आराम से मैं अपना लॉक करके यहाँ पे बैठा रहता हूँ। ये वाला दरवाज़ा और वो वाला दरवाज़ा मैं लॉक करके यहाँ पे बैठा रहता हूँ, मतलब यहाँ पे कोई मेरी परमिशन के बिना नहीं आ सकता। यार वो जंकी बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो गया था, मैंने अभी 911 कॉल कर दिया है, RCMP आ गई है, अभी देखते हैं क्या करना है, दिखाता हूँ क्या हो रहा है आपको। Dude, put your fucking hands behind your back.
Okay. He started waving, I don't know what it was, like a stick or something, that's when. Yeah. Thank you so much guys for coming. He's so animated, so I'm wondering like if he took something, you know, like. Yeah. But you're all good? Yeah, I'm okay. All good. Thank you so much for coming. Yeah, no worries. All right. View jala ho raha hai to thoda acha dikh raha hoga. Usko main yahan se yahan pe tha wo piche ko aur कहाँ गया वो कैन, ये जो कैन दिख रहा है ये इसने मुझे फेंक के मारा, मतलब लगा नहीं मेरे, मिस हो गया, मतलब ही ट्राइड टू थ्रो दिस एट मी। उसके बाद मैं नीचे जाके आपको पूरा दिखाता हूँ, इसका सामान है, ठीक है, नीचे जाके दिखाता हूँ। मैं यहाँ से आया उसको बोलने, मैंने कहा सर दिस इज़ अ प्राइवेट प्रॉपर्टी, यू हैव टू लीव, तो नहीं जा रहा नहीं जा रहा, तो मुझे उल्टा सीधा बोलने लग गया। इसका सामान देखो, और मैं इसका सामान ज़्यादा वो नहीं करना चाहता, ये देखो इसके अंदर मैं टच कुछ नहीं कर रहा, बस स्टोन्स देखो कितने हैं, पत्थर कितने सारे हैं, पत्थर है पता नहीं क्या है, ये समझ भी नहीं आ रहा। और ये इसका सामान है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे आया उसको बोलने, मैंने कहा सर दिस इज़ अ प्राइवेट प्रॉपर्टी, यू ट्रेस पासिंग हेयर, बेसिकली ये जहाँ मैं काम करता हूँ पूरा इनकी प्रॉपर्टी है। तो मैंने इसको बोला, मैंने कहा, तो वो चिल्लाने लग गया रात को, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होने लग गया, एंड ये थ्रू दिस एट मी। और एक तो चीज़ उसने, आई थिंक ये वाला पत्थर था, ये कुछ और उसने मुझे फेंका, तब फिर आई बैक्ड ऑफ, मैंने कहा भाई फालतू हीरो बनने की जरूरत नहीं है, तब देन आई बैक्ड ऑफ। और फिर मैंने अंदर जाके रिसेप्शन एरिया में जाके लॉक करके मैंने RCMP को कॉल किया, और RCMP से कनेक्ट किया पूरा, उन्होंने पूछा क्या है क्या नहीं है, जितनी देर में कॉल पे था इतनी देर में डिस्पैच हो चुका था। और जैसे ही मैंने कॉल काटा, ऑलमोस्ट मतलब जितनी देर मैं उनको समझा रहा था कि क्या हुआ, कि मतलब 1 से 1.5 मिनट का कॉल होगा प्रॉबेबली, और इतनी देर में तो पुलिस यहाँ पे आ गई थी, मतलब विद इन आई थिंक 2 मिनट के अंदर पुलिस आ गई थी। चलो जो आगे की स्टोरी है ना, मैं बैठ के आराम से बताऊँगा, ठीक है, गाड़ी में जाके। तो अभी पहले मैं अपनी शिफ्ट ख़त्म कर लूँ, सुबह 7 बजे ख़त्म होगी, और उसके बाद दूसरी शिफ्ट पर भी जाना है सुबह 9 बजे ही, और तो अभी देखता हूँ बीच में गाड़ी में कॉफ़ी लेके, और उसके बाद मैं आपको पूरी स्टोरी बताऊँगा कि क्या हुआ कैसे हुआ। आई एम सेफ, इट्स ऑल गुड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बाकी पुलिस यहाँ पे कुछ करती नहीं है, उसको ले जाएगी, एक रात जेल में रखेगी, फिर छोड़ देगी, फिर वो यहीं आ जाएगा वापस, तो यह वापस यहाँ पे या कहीं भी। तो लेकिन पुलिस ने उसको उठा के पटका, बहुत ज़ोर से था, बहुत ज़ोर से पटका था, मतलब दे टैकल्ड हिम, और उसके बाद उसके ऊपर पूरा चढ़ गए 2 लोग और बोले यू आर अंडर अरेस्ट फॉर असॉल्ट। पहले तो वो मेरे से अग्रेसिव हो रहा था, बोला था फक ऑफ ये वो, जैसे ही पुलिस आई रोने लग गया, कह रहा कि नो आई डिडंट असॉल्ट हिम, आस्क हिम आई डिडंट असॉल्ट हिम। तो आपने अगर किसी की तरफ अग्रेसिव बिहेवियर किया, दैट इज़ कंसिडर्ड एज असॉल्ट, मतलब ऑफकोर्स उसकी लीगल डेफिनेशन क्या है वो आप लोग देखो, लेकिन उसने मेरी तरफ कुछ फेंका तो दैट इज़ असॉल्ट, और उसके बाद उसके हाथ में स्टिक थी दैट ही वॉज वेविंग एट मी, तो दैट मीन्स दैट इज़ काउंटेड एज असॉल्ट। तो चलो बताता हूँ पूरी स्टोरी। तो यार अभी हम खड़े हैं TRU व्यू पॉइंट पे, पीछे देख लो कितना बढ़िया, या तो ये बेसिकली इज़ वन ऑफ माई फेवरेट पॉइंट्स TRU के अंदर ही, यहाँ से पूरा सिटी ऑफ कैमलूप्स दिखता है, मेरा घर भी वहीं कहीं शहर के अंदर है। तो बेसिकली यहाँ पे लर्निंग क्या है इस वीडियो में, कि 911 कॉल किया, 911 आ गई, वो उसको ले गए। तो यार यहाँ पे ना कैच एंड रिलीज टाइप का प्रोग्राम चलता है, यहाँ पे पुलिस ना बहुत ज़्यादा कुछ करती नहीं है ड्रगीज़ को पकड़ के, ठीक है, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है, वो टैक्स पेयर के पैसे पे जेल के अंदर रहते हैं, हंगामा करते हैं, कुछ नहीं, कोई फ़ायदा नहीं उनको पकड़ के। तो उसको पकड़ के पुलिस वाले ले जाते हैं, कोर्ट की डेट दे के उसको वापस स्ट्रीट पे छोड़ देते हैं, कोर्ट की डेट पे वो लोग आते नहीं है। वाह, इतना बड़ा ट्रक कभी देखा है कैमलूप्स में? तो कोर्ट की डेट दे के उनको छोड़ देते हैं और वो कभी आते हैं नहीं। तो यही इसी टाइप का कैच एंड रिलीज चलता रहता है। तो यार यहाँ पे लर्निंग क्या है कि यार इन लोगों से कभी भी एंगेज मत करा करो। इनके पास ना नीडल होती है जो इनको गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है नशे करने के लिए, इनके पास नाइफ होता है, इनके पास कुछ ना कुछ वेपन होता है जो ये हमेशा अपने पास रखते हैं। इनसे एंगेज करके कोई फायदा नहीं है। हीरो वहां बनना चाहिए जहां कुछ फायदा हो रहा हो, ऐसी जगह हीरो बन के कोई फायदा नहीं है। इनको इग्नोर करो, उनको बोलो ओके टाटा बाय बाय, मैं अपने, उसने मेरे से अग्रेसिव बिहेवियर किया, मैंने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, मैं चुपचाप अंदर चला गया, 911 कॉल कर दिया, पुलिस ने आके उसकी जो करा उसको करा और उसको ले गए, ठीक है। तो यहाँ पे लर्निंग है कि इनसे झगड़ा करके कोई फायदा नहीं, ये लोग इंजेक्शन लेते हैं, नशे करते हैं, इनको STDs होती हैं, ये वो बहुत कुछ है, तो डोंट, ठीक है, इनसे एंगेज करके कोई बेनिफिट नहीं आपका। तो इनको इग्नोर करने का मतलब ये है कि जब तक ये आपको परेशान नहीं कर रहे तब तक आप इनको इग्नोर करो, लेकिन अगर आपको ये इतना सा भी परेशान करते हैं
ऑन द स्पॉट आप 911 कॉल करो। इंडिया की तरह यहाँ पे ऐसा नहीं है कि पुलिस वाले आके उल्टा आपको बोलेंगे हाँ भाई तू यहाँ पे रात को क्या कर रहा था। अगर आपको कोई परेशान कर रहा है आप 911 कॉल करो, पुलिस ऑलमोस्ट तुरंत आती है एंड दे विल मेक श्योर दैट यू आर सेफ। जो मेरे साथ 911 पे जो भी ऑपरेटर था या उसने मेरे को ये बोला कि जब के डू यू फील सेफ, तो उसने बोला कि इफ़ यू वॉन्ट आई कैन स्टे ऑन द लाइन फॉर यू। मैंने बोला नो आई एम गुड, मैंने अंदर से लॉक कर लिया जब तक RCMP नहीं आती, दैट्स फाइन। तो और जैसे ही RCMP ऑलमोस्ट आई दे एक्चुअली गेव मी अ कॉल बैक, मतलब जो पुलिस ऑफिसर आए थे उसी ने मुझे कॉल बैक कर दिया कि वेयर आर यू। तो मैंने उनको बताया मैं यहाँ पे हूँ और जिसने मुझे जो मुझे परेशान कर रहा है वो थोड़ा उस साइड पे। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। मेरा यहाँ पे लर्निंग एक ही है, डू नॉट एंगेज इफ यू फील अनसेफ, कॉल 911। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। मोर ओवर जो लोग इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं अपना पूरा क्वेश्चन डाल के छोड़ दिया करो, अगर आप हाई लिख के छोड़ोगे आपके रिप्लाई आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। ऑलराइट, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।